सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों आज मैं आपसे फिर से एक सच्ची घटना शेयर करने वाली हूँ, एक सच्ची अनुभूति शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों आपको घटना सुनाऊँ उससे पहले पूछ लेती हूँ हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न। तो आज का प्रश्न ये है कि आपको हनुमान जी के उस मंदिर का नाम बताना है जहां हनुमान जी की पूजा स्त्री स्वरूप में होती है। अब आपको जगह के नाम के ऑप्शन दे रही हूँ। सबसे पहला उत्तराखंड, दूसरे पे है मध्य प्रदेश, तीसरे पे राजस्थान, चौथे पे छत्तीसगढ़। दोस्तों अपना उत्तर जल्दी से मुझे कमेंट कीजिएगा और पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा था उसका सही आंसर और लोगों का नाम जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो लास्ट तक। दोस्तों अब शेयर कर रही हूँ सच्ची अनुभूति और सुनाऊंगी उन्हीं के शब्दों में जिनकी ये घटना है, जिनकी ये स्टोरी है। घटना 26 दिसंबर 2006 की है। मैं अपनी 4 वर्षीय बेटी और लगभग 65 वर्षीय ननद के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु वाराणसी गई हुई थी। वहीं से हम सुबह टैक्सी लेकर सड़क मार्ग द्वारा संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे। दोपहर बाद स्नान ध्यान से जब हम निपट चुके वहां से हमने अयोध्या के लिए जाने का निश्चय किया। रास्ते में अवध विश्वविद्यालय दिखा तो मैंने टैक्सी उस ओर मुड़वा ली। मैं पंजाब विश्वविद्यालय में जुड़े हुए DAV कॉलेज होशियारपुर में अंग्रेजी विभाग से एसोसिएटर प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थी। अतः अवध विश्वविद्यालय के उपकुलपति से भेंट करने के उद्देश्य से मैंने टैक्सी ड्राइवर को विश्वविद्यालय परिसर में चलने का आदेश दिया। दोस्तों वहां कुछ प्रोफेसर साहिबा से मेरी भेंट हुई और विचारों का आदान प्रदान हुआ, परंतु उपकुलपति महोदय उस समय किसी कारणवश विद्यालय से बाहर गए थे, अतः उनसे भेंट ना हो सकी। करीब 6 बजे जब हम विद्यालय परिसर से बाहर निकले तो अंधेरा होने लगा था। हमारी टैक्सी अयोध्या की तरफ रवाना हुई। कुछ ही देर में घना अंधेरा होने लगा और टैक्सी ड्राइवर संभवतः रास्ता भटक गया था। हमने अपनी टैक्सी को घने जंगल में पाया जहां दूर दूर तक रोशनी या किसी भी तरह के जीवन का कोई निशान नहीं था। दोस्तों उस वीरान रास्ते पर अंधेरे में टैक्सी भटकने लगी। अनजान रास्ता और जो हमारा ड्राइवर था वो भी दूसरे धर्म से था। हम 2 महिलाएं और 1 बच्ची क्या करें, कहाँ जाएं? हमने कुछ सोने के गहने भी पहन रखे थे। मन में बुरे बुरे विचार आ रहे थे। अनिष्ट की आशंका, घोर आशंका सताने लगी। जब हम ड्राइवर को कुछ भी कहें तो वो सीधा जवाब नहीं देता था। बेटी घबरा कर रोने लगी। उस विषम परिस्थिति में मैंने भगवान राम को स्मरण किया, हनुमान जी से प्रार्थना की कि हम तो आपके दर्शन हेतु अयोध्या आ रहे हैं, अब हमारी लाज आपके हाथ में है, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मेरी ननद जी राम नाम का निरंतर जप करने लगी। सहसा टैक्सी के सामने वाली लाइट के प्रकाश में एक मानव आकृति हमें दिखाई दी जो हाथ देकर हमारी टैक्सी को रोक रहा था। मैंने तत्काल टैक्सी रुकवाई तो देखा एक 15-16 साल का किशोर रास्ता रोक रहा है। उसने मुझसे पूछा, माता जी आप कौन हैं, कहाँ जाना है आपको? मैंने उसे बताया कि हम अयोध्या दर्शन के लिए आए हैं पर फैजाबाद से रास्ता भटक गए। वो किशोर नवयुवक फौरन टैक्सी ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठ गया और रास्ता बताने लगा। उसके दिशा निर्देशों पर टैक्सी ड्राइवर टैक्सी घुमाने लगा। आश्चर्य की बात है दोस्तों, लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर ही हम मुख्य मार्ग पर जा पहुंचे। उस युवक ने टैक्सी अयोध्या के एक होटल में रुकवा दी और मुझे साथ लेकर होटल मैनेजर के पास पहुंचा। उसने मैनेजर से कहा कि ये दोनों माताएं बड़ी दूर से अयोध्या आई हैं, इनके ठहरने के लिए बढ़िया से कमरे की व्यवस्था करा दो और भोजन वगैरह की व्यवस्था करा दो। मैनेजर ने होटल के कर्मचारी को भेजकर टैक्सी से सामान निकलवाया। मेरी ननद जी होटल के कमरे में सामान रखवाने लगी। मुझे ये लगा कि शायद ये वो युवक जो रास्ता हमें बता रहा था होटल का एजेंट है या कोई टूरिस्ट गाइड है जो यात्रियों को होटलों से
ले जाता है, कमरा दिलवाता है और फिर कमीशन लेता है। होटल के रजिस्टर पर मैंने हस्ताक्षर वगैरह किए। औपचारिकता निभाने के बाद मैं जैसे ही पीछे मुड़ी ताकि उस युवक को कमीशन दे सकूं, उसका धन्यवाद कर सकूं, परंतु वो युवक कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैंने होटल मैनेजर से पूछा तो उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम है, मैंने पहले उस युवक को यहाँ नहीं देखा। अब तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ी और मैंने उसे आसपास ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उस युवक का कहीं पता नहीं चल रहा था। तब जाकर हमें ये समझ में आया कि उस अंधेरी रात में निर्जन वीरान मार्ग पर जिसने हमें रास्ता दिखलाया वो कोई और नहीं, स्वयं वो थे जिनके दर्शन के लिए हम आए थे। पर हाय हमारी मूढ़मती कि हम उन्हें पहचान ना सके। सच्चे मन से पुकारने पर भगवान स्वयं आकर सहायता करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, पर हम ही हैं कि उन्हें पहचान नहीं पाते। सही कहा आपने, क्योंकि मुझे ये घटना बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से शेयर की जाए, आप लोग भी इस घटना का आनंद ले सकें। और अगर आपको घटना पसंद आई हो तो आगे शेयर कीजिएगा। अब शेयर करती हूँ उन लोगों के नाम जिन्होंने मुझे सही आंसर भेजा था। मैंने एक पंक्ति पढ़कर सुनाई थी और पूछा था ये हनुमान जी की किस स्तुति की है, तो आंसर था बजरंग बाण। और नाम लेना चाहूँगी सबसे पहले संजय मौर्य जी का, दूसरा नाम है प्रेमानंद प्रधानी जी, तीसरा प्रदीप पुनिया जी, प्रीति कुमारी और राजेंद्र कुमार जी। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी सच्चे दिल से बाबा की प्रार्थना करें, उन्हें पुकारें, बाबा आप उनकी मदद ज़रूर कीजिए और इसी तरीके से भक्तों का मार्गदर्शन करते रहें ताकि वो किसी भी मार्ग से, अपने अच्छे मार्ग से ना भटके। और आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।